कोरोना वायरस के बचाव को लेकर 22 मार्च को जनता कर्फ्यू को लेकर हमीरपुर की जनता भी समर्थन में आई है। हमीरपुर में भी कोरोना वायरस से बचने के लिए जनता ने सहयोग देने की बात कही है। हमीरपुर में लोगों ने पीएम मोदी के आह्वान पर अपनी राय दी। कांग्रेस महिला की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा एवं पूर्व विधायक अनिता वर्मा ने कहा कि पीएम मोदी के द्वारा 22 मार्च को जनता कर्फ्यू अच्छा निर्णय है, लेकिन जनता को भी ऐसा निर्णय लेना चाहिए क्योंकि नेताओं को ऐसे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। कांग्रेस महिला की पूर्व अध्यक्षा एवं पूर्व विधायक अनिता वर्मा ने कहा कि पीएम मोदी के द्वारा 22 मार्च को जनता कर्फ्यू अच्छा निर्णय है, लेकिन जनता को भी चाहिए कि ऐसा निर्णय लेना चाहिए क्योंकि नेताओं को ऐसे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। 22 तारीख को जो प्राइम मिनिस्टर ने आग्रह किया है कि एक सेल्फ कर्फ्यू लोग अपने ऊपर लगाएं, ये एक अच्छा निर्णय है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि हमारे नेताओं को हमें बताना पड़े। हमें स्वयं पूरे दुनिया के और नज़र देखकर अपना निर्णय लेना चाहिए। और ये निर्णय इटली में और फ्रांस में भी हुआ था। रात को 10 बजे लोगों ने बाहर आके जो हमारे कर्मी थे उनके लिए तालियां बजाई, उनको एक बहुत बड़ा एक सौगात दिया तालियों के अभिनंदन कर। तो मैं समझती हूँ कि अगर हम उनको देखते हुए हिंदुस्तान में भी ऐसे करें तो कोई बुरी बात नहीं। स्थानीय निवासी मनीष पुरी ने कहा कि 22 मार्च को जनता को घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए और पीएम मोदी की अपील को मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जनता उस दिन घर पर रहती है तो कोरोना से बचाव के लिए मदद मिलेगी। रविवार 22 तारीख को मोदी जी ने आह्वान किया है कि जनता कर्फ्यू हो, लोग घर से बाहर ना निकलें। अगर मोदी जी ने ऐसा कुछ कहा है या सरकार कह रही है, डॉक्टर्स कह रहे हैं, तो हम लोगों को वो बात माननी चाहिए, क्योंकि अगर ये डॉक्टर बता रहे हैं, जिस तरह ये एक चेन है, एक आदमी से दूसरे को तीसरे से, और इस तरह बढ़ते उड़ते ये बहुत, इस टाइम आप देखिए स्पेन में बुरा हाल है, ईरान में बहुत बुरा हाल है। अगर हम इस तरह कर्फ्यू में रहते हैं, अपने आप को आइसोलेट करते हैं और घर में रहेंगे तो ये चेन तोड़ने में हम कामयाब रहेंगे। हम सभी से यही करेंगे, भाइयों से बहनों से, कि इस चेन को तोड़ें, घर में रहें, सेफ रहें, अपने बच्चों को सेफ रखें, क्योंकि अगर आप एक आदमी भी इन्फेक्टेड होता है तो घर में 70 साल से लेके 5 साल का बच्चा भी होता है तो हम सभी को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तो हमारी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, सेफ रहें और घर में रहें। महिला ने बताया कि 22 तारीख को लगाए जा रहे कर्फ्यू से सभी को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सुबह 7 से रात 9 बजे तक घरों में ही रहना होगा। उन्होंने कहा कि ये एक बढ़िया निर्णय है। जो ये 22 तारीख को जनता द्वारा कर्फ्यू जो लगाया गया है वो हम लोगों के लिए सेफ्टी है अपनी, और हम ये कर्फ्यू सभी को बताएंगे और जागरूक करेंगे लोगों को। इसका हमारा यही उद्देश्य है कि जितने भी लोग हैं कि उस दिन घर में ही रहें और घर से बाहर ना निकलें। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया हुआ है कि सुबह 7 बजे से शाम को 9 बजे तक सभी लोग अपने घरों में ही रहें। ये जनता का खुद पे ही एक कर्फ्यू है। राकेश पठानिया ने कहा कि पीएम मोदी के एक दिन के घरों से ना निकलने की अपील का सभी को सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को रविवार को 7 बजे से रात 9 बजे तक घरों में रहकर पीएम मोदी की सोच को सफल बनाना है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वायरस के बचाव के लिए 22 मार्च रविवार को सभी देशवासियों से अपील की है कि वो एक दिन के लिए अपने घरों से ना निकलें। तो मेरी भी अपने जिला के लोगों से, प्रदेशवासियों से, मेरी समिति की ओर से हम अपील कर रहे हैं कि हमारे जितने भी माता बहन भाई नौजवान साथी हैं वो रविवार को 7 बजे से लेके 9 बजे शाम तक अपने घरों में ही रहें, ताकि प्रधानमंत्री की जो सोच है उस सोच को हमने साथ मिला के आगे बढ़ना है और इस देश को और हिमाचल प्रदेश को और अपने जिला हमीरपुर को कोरोना वायरस से पूरी की पूरी तरह मुक्त करना है। यही मेरी अपनी समिति की ओर से देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए अपील है। महिला ने खुशी जाहिर करते हुए समर्थन जताते हुए कहा कि पीएम मोदी के कोरोना वायरस से बचने के लिए ली गई अपील का सहयोग दें। उन्होंने कहा कि रविवार के दिन लोग घरों से बाहर ना निकलें, भाग्यदारी करें और हर एक आदमी को समझाने की कोशिश करें कि कोरोना वायरस के बारे में
कि एक दूसरे के संपर्क में जैसे एक मीटर की दूरी बनाए रखें, हॉस्पिटल में चेक नहीं जाना, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक वो अपने घर से ना निकले, और जो भी काम हो, जो पिछले दिन ही अपना सारा काम खत्म करके अपने घरों में अपने सेफ्टी बनाकर अपने बच्चों को भी इधर उधर जाने में घर से निकलने की अनुमति ना दें बच्चों को, ज्यादा करके बुजुर्गों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जैसे सफर करना है तो वो अपना सफर भी कहीं जा रहे हैं बच्चे छुट्टियों में, तो उन बच्चों को भी घर में रहने के लिए अनुमति दें कि बच्चों को बाहर ना भेजें।